नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे DLED द्वितीय सेमेस्टर गणित 2021 पूरा प्रश्न पत्र हल। जी हाँ दोस्तों, देख लीजिए आप लोग के कितने नंबर आ रहे हैं। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। द्वितीय सेमेस्टर चतुर्थ प्रश्न पत्र गणित, जी हाँ दोस्तों, आपका 25 नंबर के ये पेपर आया था। और आपको बता दें, आपको पास होने के लिए 12 नंबर चाहिए। जितने बच्चों के 12 अंक आ जाएंगे वो बच्चे द्वितीय सेमेस्टर परीक्षा पास कर लेंगे, ठीक है, गणित की। तो चलिए सबसे पहले दोस्तों, आपके पेपर में वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे गए थे 5 नंबर के, जैसा कि हमने आपको पहले बताया था। अति लघु उत्तरीय प्रश्न थे और उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न थे। तो आपके मन में एक सवाल था कि पेपर कठिन है या सरल। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को अंत तक आप देखिएगा, फिर आपको समझ में आएगा कि पेपर कठिन आया था या सरल आया था। और जो बच्चे अभी थर्ड सेमेस्टर का पेपर देने वाले, फोर्थ का देने वाले गणित का, वो बच्चे भी इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। पहला सवाल दोस्तों ये पूछा गया था आपसे पेपर में, किसी ठोस द्वारा घेरे गए स्थान की माप कहलाती है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर दोस्तों होगा हमारा आयतन। जी हाँ दोस्तों, जितने बच्चों ने विकल्प नंबर 2 को टिक किया उनको दोस्तों पूरा 1 अंक मिलेगा। काफी बच्चों के मन में कंफ्यूजन था कि क्षेत्रफल इसका आंसर क्यों नहीं होगा। देखिए दोस्तों, अगर आपका कोई वस्तु भाई ठोस है ना, तो उसमें क्या होगी, लंबाई भी होगी, चौड़ाई भी होगी और ऊंचाई भी होगी, ठीक है, कुछ ना कुछ ऊंचाई तो होगी ही ना। तो इसका जो सही आंसर होगा हमारा आयतन होगा। और उसके बाद चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। -1 और 1 के बीच, +1 के बीच कितनी परिमेय संख्याएं प्राप्त हो सकती हैं? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों विकल्प नंबर 3, अनंत आ जाएगा, ठीक है। तो काफी बच्चे भैया इसमें शून्य भी लगा दिए। देखिए ये सब छोटी छोटी आप लोग गलतियां की है, ऐसे क्वेश्चन हमने आपको पढ़ाया था। और गाइस, अगर आप इन प्रश्नों में गलती की है तो गाइस आपकी, देखिए अभी आपको और भी गणित में प्रैक्टिस की जरूरत है, ठीक है। पास होंगे फेल होंगे वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन प्रैक्टिस आपको दोस्तों और ज्यादा करना पड़ेगा। फिर अगला सवाल दोस्तों हमारा ये था कि a² - 2ab + b² बराबर होता है। जी हाँ दोस्तों, आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, a - b² होल स्क्वायर, ठीक है, a - b² होल स्क्वायर। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप देख रहे होंगे विकल्प नंबर 2, ये दोस्तों आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न था, एक वर्ग की परिमाप 4 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल होगा। अब दोस्तों वर्ग का परिमाप का फार्मूला हमने आपको बताया था, क्या होता है, 4a होता है, 4a बराबर दोस्तों दिया गया था 4 मीटर। तो यहाँ से a का मान आ जाएगा 4/4 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, a का मान 1 आ गया, मतलब a का मान दोस्तों हमारा 1 मीटर आ गया। ये आपकी a क्या है, भुजा है। और वर्ग का दोस्तों हमें क्या निकालना था, देखिए क्वेश्चन क्या था, उसका क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल दोस्तों क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। अगर आप 1 का स्क्वायर कर देंगे तो दोस्तों आपका क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 मीटर स्क्वायर ही तो आएगा आंसर, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा विकल्प नंबर 1। तो गाइस बहुविकल्पी क्वेश्चन तो आपके ठीक ठाक आ गए थे। और अंतिम क्वेश्चन दोस्तों क्या था बहुविकल्पी का, कि निम्न में से कौन सा रैखिक समीकरण नहीं है। तो इसका जो सही आंसर दोस्तों हो जाएगा विकल्प नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने इसको टिक किया है तो आपका एक नंबर और बन गया। तो देखिए सबसे बड़ी बात होती है कि आप कितने बहुविकल्पी प्रश्न पेपर में सही करके आते हैं। हमने आपको दोस्तों एक बात बताई, जितने बच्चे 5 में से 5 बहुविकल्पी प्रश्न सही करके आते हैं, 90% वो बच्चे परीक्षा को पास कर जाते हैं, ठीक है। बाकी चलिए अब देखेंगे आज के अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो आप लोग देखिए अपने नंबर मिलाते हुए चलिएगा कि आखिर आपके नंबर कितने बन रहे हैं, ताकि दोस्तों बाद में, तभी तो आप मिलाएंगे ना कि आपके 12 नंबर आ पा रहे हैं नहीं आ पा रहे हैं, क्या दिक्कत है दोस्तों। तो वीडियो को आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। अब हम लोग दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में दोस्तों हमारा क्या पूछा गया था, जरा देखिए, -4/5 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना था। तो इसमें कुछ था नहीं दोस्तों खास, खाली आप एक को भैया एक ऐसी रेखा खींच देते, ठीक है, -4/5, ठीक है। तो बीच में दोस्तों आपको क्या बनाना होता है, 0 बना लेते हैं। और यहाँ पर दोस्तों क्या था, -4/5, तो आप क्या करते हैं, मैं यहाँ पर लिख देते -1/5, फिर यहाँ पर लिखते -2/5, ठीक है, -3/5 और -4/5। इस रेखा को थोड़ा और ऐसे बढ़ा लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर -4/5 आपका प्रदर्शित हो गया। अगर आप थोड़ा और चाहते तो यहाँ पर 1/5 प्लस का लिख देते, 2/5 लिख देते, 3/5, 4/5, तो ये देखने में और भी अच्छा लगता है। तो बस ये दोस्तों हो गया हमारा, ठीक है, -4/5। तो ऐसे आसान प्रश्न भी आपके पेपर में आए थे। और देखिए आगे इसके जाएगा तो क्या हो जाएगा, आपको पता है, -5/5 या हो जाएगा -1, ठीक है, 5 में से 5 कट जाएगा, -1 ही आ जाएगा ना। तो इसको आप ऐसे कर सकते थे। तो इसमें से अगर आपने थोड़ा बहुत भी प्रदर्शित किया होंगे तो आपको 1 नंबर दिया जाएगा। फिर दोस्तों हमारा अगला प्रश्न आया था पेपर में कि स्तंभाकृति या हिस्टोग्राम और स्तंभ आरेख बार डायग्राम में तो अंतर आपको बता देते हैं। देखिए दोस्तों, जो हमारा हिस्टोग्राम में होता है ना, तो इसमें वर्ग अंतराल की जरूरत पड़ती है, जबकि दोस्तों जो हमारा बार डायग्राम है इसमें वर्ग अंतराल की जरूरत नहीं पड़ती। एक आपका ये हो गया अंतर। फिर देखिए, हिस्टोग्राम संख्यात्मक आंकड़े दिखाता है जबकि बार डायग्राम श्रेणी, ठीक है, आंकड़े दिखाता है, ठीक है ना, श्रेणी क्रम में
श्रेणीबद्ध कहिए आप इसको, ठीक है, तो उसमें दिखाता है। तो ये दोस्तों हो गए हमारे दो ठो अंतर। ये आसान क्वेश्चन था, आप इसको लिख सकते हैं बनाकर बढ़िया, अगर आपने पढ़ा होगा तब। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा आ गया था मासा निकालने वाला, ठीक है, तो अब मासा भी निकालकर हम लोग देखेंगे कि इसका आंसर कितना आता है। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस, और आगे दिया है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का मासा ज्ञात कीजिए। तो गाइस इसको हम कैसे कर सकते थे, देखिए इसका आसान करने का तरीका क्या है। हमारा लिखा था एक्स स्क्वायर माइनस एक्स लिखा था, इसको दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं, अगर इसमें से हम एक्स कॉमन ले लेंगे तो बचेगा कितना हमारा एक्स माइनस वन बचेगा, और दूसरा दोस्तों क्या था हमारा एक्स क्यूब प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स था। अगर यहाँ से हम एक्स कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स बचेगा प्लस का वन बचेगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा मासा क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पर भी एक्स कॉमन यहाँ पर भी एक्स कॉमन, तो हमारा जो मासा आएगा महत्तम समापवर्तक वो दोस्तों हमारा एक्स हो जाएगा, ठीक है। बस यही आंसर था, कुछ ज्यादा नहीं करना था, ऐसे क्वेश्चन आसान आते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन, आठवां क्वेश्चन हो गया हमारा। अब दोस्तों आते हैं हम लोग नौवें क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्या लिखा है कि 3x³y³ × 4xy³ भाग का दोस्तों चिन्ह है 6x² y को आपको सरल करना था, तो चलिए अब हम लोग इसको सरल करते हैं। तो गाइस इस क्वेश्चन में थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा है कि गुणा का चिन्ह लगा है, देखिए डॉट लगा है, क्योंकि देखिए दोस्तों जो पेपर है उसमें ज्यादा क्लियर दिख नहीं रहा है। तो देखिए इसमें दो तरीका था, अगर ये दोस्तों 3x³ लिख दीजिए इंटू में y³ है, अगर दोस्त यहाँ पर ये गुणा का चिन्ह है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 4xy³, ठीक है, बटे में दोस्तों हमारे क्या था 6x² y। अगर दोस्त यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा था उसको भी हम बता देते थे कि इसमें क्वेश्चन सही दिख नहीं रहा, आप लोग में दिख रहा होगा, ठीक है, आप लोग उसको देख लीजिएगा, लिखा था क्वेश्चन 3x³y³ माइनस का अगर चिन्ह था यहाँ पर तो 4xy³ भागे दोस्तों क्या था नीचे 6x² y, दोनों तरह से हम करके आपको बता देते हैं जो भी दोस्तों सही रहा हो। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा कॉमन क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए एक्स कॉमन दिख रहा है और यहाँ पर वाई दिख रहा है, ठीक है ना, तो इसको जरा हम लोग कॉमन ले लेकर करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा जो कॉमन होगा ना वो हो जाएगा हमारा एक्स यहाँ पर एक यहाँ पर वाई क्यूब, तो यहाँ पर बचेगा कितना दोस्त हमारा 3x² माइनस का बचेगा 4, ठीक है, इतना ही बचेगा ना, और नीचे दोस्तों हमारा है 6x² y, ठीक है, एक एक्स से दोस्त ये एक एक्स कट जाएगा, वाई से दोस्त यहाँ पर एक वाई यहाँ पर बचेगा, मतलब वाई की घाते 2 बचेगा, यहाँ पर एक्स की घाते 1 बचेगा। तो क्या बचा दोस्त, इसको लिख लेते हैं, ऊपर बचा y² 3x² माइनस का 4, नीचे दोस्तों बचेगा हमारा 6x, ठीक है, बस इतना बचा, इसको हम आंसर कर सकते हैं। अगर यहाँ माइनस का चिन्ह नहीं था, गुणा का चिन्ह दोस्तों था, तब भी इसको हम सॉल्व करके आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर दोस्तों देखिए नीचे एक्स की घात 2 था, तो ये एक्स की घात 2 कटेगा तो एक एक्स यहाँ कटेगा, एक एक्स यहाँ से कटेगा तो यहाँ पर बचेगा एक्स की घाते 2, एक वाई दोस्त यहाँ पर ऐसे कट जाएगा, मतलब वाई की घाते 2 बचेगा। तो बचा क्या दोस्तों, फिर देखिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ऊपर दोस्तों बचेगा 2, ठीक है, और यहाँ पर एक्स की घाते 2 था, ठीक है, तो इसको भी जरा काट के देख लेते हैं, ऊपर दोस्तों हमारा x² बचेगा और यहाँ पर वाई की घाते 3, और वाई की घाते 3 थी, एक कट गया, तो मतलब वाई की घाते 5 बचेगा। इसको दोस्तों हम क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, देखिए टोटल यहाँ पर वाई की घाते कितनी थी, 3 3 6, और नीचे एक था तो कटा 5 है, देखिए एक्स की घाते टोटल यहाँ पर 3 थी या 1, मतलब 4 थी या 2 कटा 2 बचा, ठीक है, ऐसे इसको हम क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पर माइनस प्लस वाला वही कंफ्यूजन है कि गुणा का चिन्ह था कि माइनस का, आप लोग देख लीजिएगा पेपर में अच्छे से दिख रहा होगा, हमने सोचा जल्दी से वीडियो आपके लिए बनाई जाए, बच्चों की डिमांड काफी ज्यादा थी, तो वीडियो को अगर अभी तक आपने शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिएगा, आपको एक एक प्रश्न का सोल्यूशन यहाँ पर दिया जाएगा, ठीक है। बाकी प्रश्न में से कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो आउट ऑफ सिलेबस थे, नहीं थे, वो आपको वीडियो के अंत में पता चलेगा। अब चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम बढ़ते हैं। प्रश्न था कि एक घनाभ का हमारा जो क्षेत्रफल है 125 वर्ग मीटर है, और उसके बाद दोस्तों देखिए लिखा है कि यदि उसकी ऊंचाई 4.5 मीटर है तो उसका आयतन हमें ज्ञात करना था। तो गाइस जो हमारा घनाभ का आयतन होगा ना, उसका सीधा फार्मूला जो होगा इसका क्षेत्रफल गुणे इसकी ऊंचाई, मतलब दोस्तों हमारा इसका क्षेत्रफल दिया गया 125 और दोस्त इसकी ऊंचाई दी गई 4.5, आप इसका गुणा करिए, जो दोस्त आएगा वो सीधे आंसर आएगा, तो गुणा करने पर दोस्तों हमारा मिलेगा 562.5 मीटर का क्यूब, ठीक है, यहाँ पर वर्ग मीटर था, यहाँ 1 मीटर था, तो दोस्तों 3 मीटर हो गया, तो मीटर क्यूब बन गया, तो इसको जरा ध्यान रखिए। देखिए काफी बार आप लोग गलती कर देते हैं, अगर आपने इसकी यूनिट नहीं लिखी, यहाँ पर अगर घन मीटर या मीटर क्यूब नहीं लिखा तो फिर आपने देखिए यहाँ पर भी नंबर कट जाएंगे, तो ये दोस्तों छोटी छोटी गलतियां आपसे हो जाती हैं, इसको आप लोग आगे सुधारिएगा अगर आपसे इस बार गलती हुई है तब, ठीक है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों हमारा हो गया, ठीक है, 10वां क्वेश्चन हमारे यहाँ पर कंप्लीट होता है, इसको मिटाते हैं। अब प्रश्न संख्या दोस्तों हमारा आता है 11।
एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस पांच व्यंजक को पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड आपको करना था। तो दोस्त इसको कैसे करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों क्वेश्चन जो था आपका यहाँ पर हम लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का फोर एक्स माइनस का फाइव को व्यंजक को पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड करना था। दोस्तों यहाँ पर बराबर हम जीरो कर लेते हैं तभी देखिए करने में आसानी होगी। ये एक्स स्क्वायर दोस्तों लिखा, इसको ऐसे लिख रहे दीजिए माइनस का, देखिए फोर एक्स को क्या लिख सकते हैं, दो गुणे टू एक्स लिख सकते हैं, दो दूनी चार एक्स वही आ जाएगा ना। माइनस पांच को दोस्तों हम दाएं तरफ ले चलते हैं, बराबर ऐसे पांच हो गया। तो ये दोस्तों हो गया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस का टू इंटू टू एक्स। इसमें एक काम करते हैं, इसमें दोस्तों हम लोग चार जोड़ देते हैं और चार घटा देते हैं, ठीक है, बराबर दोस्तों ये पांच हो गया। अब दोस्तों ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का टू इंटू टू एक्स हो जाएगा। चार को दोस्तों क्या लिख सकते हैं, दो का स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस का यहाँ फोर है बराबर पांच। तो दोस्तों देखिए एक्स स्क्वायर और यहाँ पर टू का स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो कुछ आपको दिख रहा है दोस्तों, ये बन गया आपका ए माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर का जो फार्मूला हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू ए बी, ठीक है, ये हो गया प्लस का दोस्तों ये वाई स्क्वायर, ठीक है, ये फार्मूला आपका बन गया। माइनस ये चार लिखा था ना, अगर दोस्तों ये माइनस चार है माइनस पांच, पांच इधर आएगा तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा बराबर जीरो हो जाएगा। ये एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर बन गया, माइनस का दोस्तों नौ हो गया बराबर जीरो। इसको हमें सॉल्व कर लेना है, ठीक है, ये और इसको कैसे करेंगे, इसको दोस्तों नौ को हम दाएं पक्ष में ले जाते हैं, एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर लिखा है बराबर ये नौ हो जाएगा, या एक्स माइनस टू का दोस्तों बराबर हो जाएगा ये अंडर रूट नौ, ठीक है, स्क्वायर वाला था इधर अंडर रूट आ गया, तो एक्स माइनस टू बराबर दोस्तों या नौ का अंडर रूट जब निकालेंगे तो तीन आ जाएगा, या एक्स का मान आ जाएगा तीन प्लस दो बराबर एक्स का मान आ जाएगा पांच, ठीक है, ये हो गया। तो ऐसे दोस्त इसको हम लोग कर सकते हैं, बाकी देखिए आप लोग अच्छे से जब प्रैक्टिस करेंगे तभी दोस्तों आपका स्कोर भी अच्छा आएगा। और आपको बता दें यहाँ पर कुछ बच्चे गलती क्या कर देते हैं, देखिए जो ये नौ का जो मान निकलेगा ये प्लस माइनस तीन दो आएगा, ठीक है ना, प्लस में भी आता माइनस में अंडर रूट से जब निकालते हैं। तो देखिए जब हम लोग ने यहाँ पर प्लस में लिया दोस्तों तीन, तो ये पांच आ गया, जब इसी तीन को माइनस में ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस दो बराबर माइनस तीन रहेगा, तो ये हो जाएगा एक्स बराबर माइनस तीन प्लस का दो, ठीक है, माइनस के तीन रहेगा प्लस का दो हो जाएगा, या एक्स का मान आ जाएगा माइनस का एक, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर एक्स के दो मान आ जाएंगे, एक एक्स का मान आ जाएगा पांच, दूसरा एक्स का मान आ जाएगा माइनस का एक। तो गाइस क्वेश्चन तो कुछ ज्यादा ही बड़ा था, तो ये एक नंबर में अगर जिन बच्चों ने ऐसे प्रश्नों को भैया अटेम्प्ट किया होगा ना एक नंबर के लेकर, तो उन्हीं बच्चों का पेपर छूटा होगा। कुछ बच्चे कह रहे थे सर जी हमारा क्वेश्चन पेपर छूट गया, तो बताइए ऐसे ऐसे प्रश्न रख दी पीएनपी ताकि बच्चों का पेपर खराब हो, ठीक है। तो पहले दोस्त हमारे 11 क्वेश्चन हो चुके हैं, देखिए बाकी आप 11वां क्वेश्चन और तरीके से भी कर सकते हैं, अगर कुछ और आपका मेथड रहा होगा तब भी उसको सही माना जाएगा। तो गाइस ये मेथड हमने आपको बताया। अगला क्वेश्चन था दोस्तों 12वां प्रश्न, जरा देखिए इसको देखेंगे। एक शंकु 216 सेंटीमीटर ऊंचा है, इसके आधार की त्रिज्या दी गई है 16 सेंटीमीटर। यहाँ पर भी देखिए जरा ये सेंटीमीटर ये भी है ये भी सेंटीमीटर है, और इसे पिघलाकर एक गोले के रूप में ढाला गया है, गोले की त्रिज्या आपको बतानी है। शंकु को पिघलाकर क्या किया गया है, गोले के रूप में ढाल दिया गया। तो ऐसे क्वेश्चन को निकालने के लिए देखिए शंकु का आयतन बराबर गोले का आयतन आप कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। शंकु का आयतन का जो हमारा फार्मूला होता है वो होता है एक बटे थ्री पाई आर वन स्क्वायर एच, ठीक है। अब दोस्तों इसको पिघलाकर गोले में कर दिया गया तो गोले का आयतन होता है चार बटे तीन पाई आर टू, इसको कर देंगे क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको हमें सॉल्व कर लेना, ये तीन से दोस्तों तीन कट गया, पाई से हमारा पाई कट जाएगा, इधर बचेगा हमारा आर वन स्क्वायर एच बराबर आर टू, ठीक है, क्यू, ठीक है, इतना हो गया। अब इसमें जरा सबके मान रख लेंगे, आर वन का दोस्तों हमारा मान कितना दिया गया है 16 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या है ना, ठीक है, तो आर वन का मान 16 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 16 का स्क्वायर मतलब 16 गुणे 16 हो जाएगा, और ऊंचाई दोस्तों यहाँ पर 216 दिया गया है बराबर आर टू क्यूब, या दोस्तों जो भी आ रही है इसका हमें मान निकालना, ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लेंगे हमारा आंसर आ जाएगा 16 गुणे 16 गुणे 216 आपको करना है। और यहाँ पर जरा देखिए यहाँ पर चार भी तो हमने चार छोड़ दिया ना, चार इसको लिख कर चलिएगा, ये सब छोटी छोटी गलती होती है, चार से भाग करिए जरा कितनी बार जाएगा, चार पंजे बीस चार चौके 16, तो दोस्तों हमारा यहाँ पर ऐसे लिख दीजिए आर टू क्यूब बराबर आ जाएगा 16 गुणे 54, ठीक है ना। अब इसको हमें सॉल्व कर लेना है तो इससे हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा, तो क्या आएगा आंसर, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर देखिए गुड़ाई करना पड़ेगा, तो भैया हमारा आर टू क्यूब बराबर क्या आ जाएगा, गुड़ा करने पर दोस्तों जो आएगा निकल कर हम बता दें 13,824। तो जो बच्चे गुणा कर रहे होंगे उनका तो 5 मिनट इधर ही चला गया होगा। यहाँ पर दोस्तों आर टू का मान जो आ जाएगा अंडर रूट कर दीजिए, क्यूब रूट कर देना है इसको 13,824, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा आर टू का जो मान निकल कर आएगा वो आएगा हमारा 24
सेंटीमीटर। तो दोस्तों हमारा ये यहाँ पर आंसर आ जाएगा, ठीक है, आर टू का मान आ गया 24 सेंटीमीटर। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया था कि गोले की त्रिज्या आपको बतानी है, तो ये हमारी त्रिज्या निकल आई। तो देख रहे होंगे आप लोग भैया क्वेश्चन कितने बड़े बड़े पूछे गए थे, अगर इसका आप कैलकुलेशन करेंगे ना तो मोबाइल से भी काफी समय लग जाएगा कि मतलब कैलकुलेटर का यूज करेंगे। तो पीएनपी तो धन्य है भैया, कैसे ऐसे क्वेश्चन बच्चों के लिए रखी कि जानबूझ के बच्चे फेल हो जाएं। देखिए कुछ अच्छे प्रश्न भी थे, वीडियो के अंदर दोस्तों पूरा हम आपको बताएंगे कि कौन से क्वेश्चन कैसे थे, कौन से आप प्रश्न करते तो आप एक अच्छा स्कोर कर सकते थे। चलिए दोस्तों पहले हम 13वां प्रश्न देख लेते हैं। जैसे ये आसान क्वेश्चन था कि प्रशिक्षुओं द्वारा संस्थान आने हेतु अपनाए गए साधनों का विवरण निम्नवत है। प्रशिक्षुओं की दोस्तों संख्या को पिक्टोग्राफ द्वारा प्रदर्शित आपको करना है। यातायात के दोस्तों साधन थे स्कूटर, ऑटो, पैदल, मोटरसाइकिल, तो कोई आ रहा कोई अन्य से आ रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों पहले आप पिक्टोग्राफ बनाने के लिए क्या करेंगे, लिखे होंगे आप लोग यातायात के साधन, ठीक है, यातायात है ना, यातायात के साधन, ठीक है। और दूसरी तरफ दोस्तों आपने लिखा होगा प्रशिक्षुओं की संख्या, ठीक है, पूरा आप लिखेंगे बढ़िया, प्रशिक्षुओं की संख्या, ठीक है, ये हो गया। आप लोग बढ़िया से वैसे लिखे होंगे, हम आपको जल्दी जल्दी करके बता रहे हैं। तो गाइस यहाँ पर देखिए यातायात के साधन दोस्तों हमारे क्या क्या थे, पहले स्कूटर था फिर ऑटो था, ठीक है। कुछ बच्चे आज भी स्कूटर से जाते होंगे ना पेपर देने, कुछ बच्चे यहाँ पर ऑटो से जाते होंगे पेपर देने, और कुछ बच्चे दोस्तों हमारे पैदल भी चले जाते हैं, और क्या क्या था दोस्तों, मोटरसाइकिल और अन्य, ठीक है, पहले यहाँ लिख दीजिए मोटर, ठीक है, साइकिल, ठीक है, हो गया, और यहाँ पर अन्य कर देते हैं। आप लोग समझ रहे हैं ना, आप लोग अभी पेपर दे के आए। तो चलिए दोस्तों देखिए स्कूटर में दोस्तों आपको कैसे पिक्टोग्राफ बनाना था। स्कूटर की संख्या दोस्तों हमारी कितनी थी, 8 थी। तो देखिए इसमें आप एक काम कर सकते हैं, इसके लिए आपने या तो पैमाना माने होंगे तब भी बढ़िया रहता है। देखिए दोस्तों इसको हम देखिए 8, 9, 18, 10 और 15, तो इसमें दोस्तों हम दो पैमाना मान सकते थे। देखिए एक पैमाना हम ऐसे मान सकते थे भैया जो ऐसे दिख रहा है ना, इसमें दोस्तों संक्षेप में ऐसे मान सकते हैं इसका मतलब 2 है, और एक ऐसे दोस्तों मान लेते हैं इसका मतलब 1 है, ठीक है। ये हम दोस्तों संक्षेप में मान लेते हैं पैमाना पिक्टोग्राफ के लिए, क्योंकि देखिए या तो आप एक ही तरह का एक ही वाला मान लीजिए भाई, 9 बार बना दीजिए, 8 बार बना दीजिए, 18 वैसे, लेकिन ये पैमाना मानने से थोड़ा छोटा हो जाएगा। जैसे दोस्तों इसको माने तो ऐसी संख्या दोस्तों हम यहाँ पर कितनी बार बनाएंगे, 4 बार, क्योंकि देखिए इसका मतलब 2 से इसको भाग करेंगे यहाँ पर 4 आ जाएगा। अब 9 में 2 से तो भाग जाएगा नहीं, इसीलिए दोस्तों एक ये वाला हमने बना लिया भैया पैमाना कि 1 को ऐसे दर्शा देंगे। 18 में 2 से भाग चला जाएगा, 10 में चला जाएगा, लेकिन 15 में नहीं जा पाएगा ना, तो वो मामला था। तो पहले दोस्तों स्कूटर में भैया 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आएगा ना, तो स्कूटर वाले बच्चों को बना लेंगे 1, 2, 3, 4, ठीक है, हो गया। अब दोस्तों ऑटो से आने वाले 2 से भाग करिए, 4 बार जाएगा, 1, 2, 3, 4, लेकिन दोस्तों हमारा 1 बच रहा है ना, इसको हम ऐसे सिंपली बना लेंगे, ठीक है, ये हो गया। तो कुछ बच्चे पिक्टोग्राफ में भी हो सकता है गलती कर गए, पैदल आने वालों की संख्या 18 थी, तो पैदल आने वाले दोस्तों ऐसे ग्राफ बना लीजिए, 2 से भाग करेंगे 9 बार जाएगा ना, 3 हो गया, 4, 5, 6, 7, 8, यहाँ एक और आगे कर दें 9। मोटरसाइकिल से दोस्तों 10 लोग आ रहे थे, 2 से भाग करेंगे तो 5 बार जाएगा, तो 5 बना देंगे, 1, 2, 3, 4, 5। उसके बाद दोस्तों हमारा अन्य आता है, इसमें 215 है ना, 2 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा, तब भी 1 बचेगा ना, 2 × 7 = 14, 1 बच गया ना, तो पहले 7 तो बना लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1 बच गया दोस्तों, इसको ऐसे बना लेंगे ये वाला, ठीक है, 14 × 1 = 15। इसका दोस्तों पैमाना हमने माना था इसका मतलब 1 होता है, और ये सबका मतलब 2 2 है। तो ये दोस्तों हमारा पिक्टोग्राफ वाला भैया सवाल हो गया, इसको आप ऐसे कर सकते थे। बाकी और भी तरीके थे, जैसे भी आपने दोस्तों किया होगा, अगर आपने ग्राफ बना लिया तो आपका सही है। इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग मेरा तरह भैया बिल्कुल कॉपी पेस्ट कर दीजिए, कुछ किताबों में अलग तरीके से अगर आपने पढ़ाई की हो तो आप अलग तरीके से कर सकते हैं। अगला सवाल दोस्तों आता है 14 नंबर। अब क्या है कि समीकरण, पहले इसको लिख लेते 4x+1, ठीक है, क्या दिया गया था हमारा 4x+1 अपान में 8x-4 बराबर 2 है, दोस्तों इसको हमें हल करना था, ठीक है, एवं उत्तर की जांच भी करनी थी। तो ऐसे क्वेश्चन में दोस्तों देखिए आपसे पेपर में पूछे गए हैं, तो देखिए इसलिए हम आपसे कहते हैं कि आपकी जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी गाइस उतना ही अच्छा आप स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं और पता करते हैं भैया क्या क्या होता है मामला। तो चलिए एक्स का मान यहाँ से निकालेंगे, पहले दोस्तों क्या 2 यहाँ पर लिखा है ना, तो 2 के नीचे कुछ नहीं, तो यहाँ पर 1 मान लीजिए, इसका त्रिज्या गुणा कर लीजिए, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, तो 1 के साथ गुणा हो जाएगा हमारा 4x+1 का
बराबर 2 का गुणा हो जाएगा हमारा 8x माइनस का 4। एक से गुणा करें तो कोई चेंजेस नहीं आ गया, 4x प्लस 1 रहेगा ये। बराबर 2 से गुणा करेंगे, 2 8 16 x माइनस 2 चौके 8। ठीक है, तो एक काम करते हैं, 8 को इधर ले आते हैं तो यहाँ 1 प्लस 8 हो जाएगा, यहाँ 16x लिखा था ना, यहाँ पर 4x को इधर ले आएंगे तो ये 4x ये हो गया। तो 8 1 जोड़ेंगे 9 हो जाएगा, बराबर 216 में से 4 घटेगा तो 12x बचेगा, तो यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 9 बटे 12 हो जाएगा। इसको थोड़ा सॉल्व कर लिया जाए, 3 तरीका 9, 3 चौके 12, तो यहाँ से दोस्त हमारा जो एक्स का मान आएगा 3/4 आ जाएगा। देखिए गाइस, आपकी प्रैक्टिस, हम इसीलिए कहते हैं गणित में आपकी प्रैक्टिस रहेगी ना तो आपको कोई भी फेल नहीं कर सकता है, लेकिन आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो भैया कुछ नहीं हो पाएगा। यहाँ पर देखिए हमारा एक्स का मान 3/4 आ गया। अब क्या करना है ना कि जो ये एक्स का मान हमने निकाला है इसको दोस्त इसी समीकरण में रख दीजिए, ठीक है। ये समीकरण जो हमारा क्वेश्चन दिया था, मतलब क्या क्वेश्चन दिया था, 4x प्लस का 1 बटे में 8x माइनस का 4। अगर दोस्त एक्स का मान हमारा 3/4 रखते हैं, ठीक है, तो अगर 2 आ जाता है तो भैया हमारा आंसर सही है, क्योंकि यहाँ पर बराबर 2 दिया गया था क्वेश्चन में। एक्स की जगह क्या रखेंगे, 3/4, ये हो जाएगा 4 × में एक्स जगह 3/4 प्लस का 1 अपान में दोस्तों 8 × 3/4 माइनस का 4। 4 से 4 कट गया, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, तो ऊपर बचेगा दोस्तों 3 + 1 मतलब ये हो गया 4 हो गया, नीचे दोस्तों क्या हो गया, 3 × 2 = 2, 3 × 2 = 6 हो जाएगा, 6 - 4। अब इसको सॉल्व करते हैं जरा क्या हो जाएगा, ऊपर 4 है नीचे दोस्तों 6 में से 4 गया बचेगा 2, 2 से भाग करिए 2 × 2 = 4 बराबर 2 आ गया। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने पर हमारा कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, और यहाँ पर देखिए इसके बराबर अगर 2 है तब तो हमारा सही है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हमने कर लिया, सत्यापित भी कर दिया, क्वेश्चन भी कर लिया, मतलब पहले हमने दोस्त यहाँ से एक्स का मान निकाल लिए, जो एक्स का मान आया उसी इसी मैया समीकरण में रख दिया, बराबर 2 निकल आया, तो हमारा सारा क्वेश्चन आंसर सही है। तो ये प्रश्न था गाइस, तो देखिए ऐसे क्वेश्चन तो हमने आपको बताया था, देखिए इसमें आप ये नहीं कह सकते कि हमने ऐसे क्वेश्चन पढ़े नहीं थे, और गाइस ये क्वेश्चन बेसिक था। अगर देखिए हुआ क्या ना, क्वेश्चन की लैंग्वेज कठिन कर दी जाती है, पेपर कठिन बनाना तो भैया पेपर की लैंग्वेज को कठिन कर दो, पेपर अपने आप कठिन हो जाते हैं। आप चाहे दोस्तों पिक्टोग्राफ का क्वेश्चन देखिए, अभी आपको हमने प्रथम सेमेस्टर के पेपर में आया था गणित का पेपर, इसीलिए बोलते हैं कि गाइस आप लोग जितना भी पेपर हो डीएलएड का उसको आप देखते रहिए। अब 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक समांतर चतुर्भुज के दो संलग्न भुजाएं क्रमशः 6 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, इसको जरा देखते हैं, ऐसा क्वेश्चन भी हमने पढ़ा था। तथा दोस्तों उसका विकर्ण 8 सेंटीमीटर है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। समांतर चतुर्भुज भैया कुछ ऐसा ही रहता है ना, ऐसे बना लेते हम लोग, इसका एक विकर्ण मान लेते, ये दिया गया, ठीक है। क्या क्या दिया गया दोस्तों, समांतर चतुर्भुज के दो संलग्न भुजाएं 6 और 10 सेंटीमीटर, मान लेते दोस्त इधर वाली भुजा 6 सेंटीमीटर है, ये दोस्त हमारी 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, दो भुजा हो गई, और ये दोस्त हमारा विकर्ण जो है ये 8 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये वाला, ये सब हो गया, ये 6 है दोस्त, तो यहाँ पर भी 6 सेंटीमीटर वाली वाली भुजा हो जाएगी, ये आमने सामने भुजा, ये देखिए 10 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका नामकरण कर दिया जाए थोड़ा बहुत, ए बी सी और डी, नामकरण भी हो गया। तो अब चलिए दोस्तों थोड़ा बहुत इसको देखते हैं और कैसे इसको करना है, आइए देखते हैं। तो दोस्तों देखिए हमें इसका पूरा अगर क्षेत्रफल निकालना है ए बी सी डी का, तो क्या कर सकते हैं, देखिए हमारा दोस्तों पहले जो एरिया आप त्रिभुज ए बी सी, देखिए ए बी सी हो गया, उसके बाद दोस्तों हमारा एरिया आप क्या हो सकता है सी डी ए, ठीक है, दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा पूरा इसका दोस्तों क्षेत्रफल निकल आएगा। तो एक काम कर सकते हैं दोस्तों, देखिए जो हमारा त्रिभुज ए बी सी होगा ना वो दोस्तों सर्वांगसम होगा त्रिभुज सी डी ए के, क्यों दोस्तों आप देख रहे होंगे ना ये तो ये भुजा हमारी ए सी कॉमन हो जा रही है, ये भुजा दोस्तों दोनों बराबर है ना, इससे हो जाएगी, ठीक है। इसको ज्यादा हम नहीं देखते हैं, सीधा हम आपको आंसर बताएंगे कि कैसे इसको करना था। तो इसके जब निकालना था दोस्तों तो हमारा दोनों एरिया निकाला जाएगा ना, देखिए इसका जो एरिया होगा 2, ठीक है, देखिए चलिए हम शॉर्टकट ना बताते हैं आपको, पूरा स्टेप बाय स्टेप बता देते हैं। पहले दोस्तों आप लिख सकते हैं एरिया, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी प्लस का दोस्तों हमारा एरिया ऑफ आ जाएगा त्रिभुज सी डी ए, मतलब दोस्तों एरिया का मतलब क्षेत्रफल इसका और इसका, ठीक है, ये हो जाएगा। और देखिए हमारा दोनों क्या था, जब त्रिभुज हमारे दोनों सर्वांगसम है तो दोनों से अच्छा एक ही लिख लिया जाए, तो इसका मतलब हो जाएगा 2 × एरिया, आप दोस्तों क्या लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी, ठीक है ना, इसको हमें सॉल्व करना है, तो 2 × दोस्तों लिख लेंगे। देखिए इसका हमें क्षेत्रफल निकालने के लिए आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, ये वाला फार्मूला हमने दोस्तों आपको बताया था, एस बराबर होता है हमारा ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, ठीक है। हमारा ए का मान दोस्तों यहाँ पर 10 दिया गया प्लस 6 दिया गया प्लस 8 दिया गया बटे 2 हो जाएगा, यहाँ पर आप देख रहे हैं ना 10 6 8, ठीक है, इसको जोड़िए 10 6 16, 8 होता है 24, 24 बटे 2 इसको सॉल्व कर लेंगे हमारा आ जाएगा 12।
इतना दोस्त हमारा एस का मान निकला है, एस का मान कितना है 12। तो यहाँ पर दोस्त हमने फार्मूला पढ़ा है, 2 इंटू अंडर रूट में हो जाएगा एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस का सी। ठीक है, ऐसे हम इसको निकाल सकते हैं। तो 2 × 2 एस की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 12 लिख सकते हैं, 12 12 माइनस ए, ए का मतलब दोस्त हमारा कितना हो जाएगा, ए का मतलब दोस्त हमारा 10 कर देंगे, 12 माइनस 10। ठीक है, फिर दोस्त हो जाएगा हमारा 12 माइनस बी का मतलब दोस्त हमारा हो जाएगा कितना, हो जाएगा 6, और सी का मतलब दोस्त एस माइनस सी मतलब 12 माइनस का 8। ठीक है, ये हो जाएगा, इसको सॉल्व करिए जरा। तो ये हो जाएगा दोस्तों 2 × यहाँ पर आएगा ये 12 लिखा है, 10 में से 12 में से 10 घटेगा बचेगा 2। ठीक है, इसको गुणा का चिन्ह लगाइए, यहाँ पर भी दोस्तों 12 में से 6 गया 6 बचेगा, 12 में से 8 गया 4 बचेगा। अब इसका हमें गुणा करना है। ठीक है, इसको गुणा कर लेते हैं दोस्तों, कितना आ जाएगा इसको जरा देखते हैं। 2 × दोस्तों हो जाएगा हमारा, एक काम कर लेते हैं इसको आसान तरीके से दोस्तों बाहर निकाल लेते हैं ताकि आपको करने में आसानी हो। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो हमारा 12 लिखा है ना, इसको क्या लिख सकते हैं पता है आपको, इसको लिख सकते हैं दोस्तों हम लोग 6 × 2, 12 हो गया, गुड़े में यहाँ 2 पहले से ये देखिए लिखा था, 2 × 2 = 6 हो गया, 4 को दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2। ठीक है, हम आपको अभी देखिए आप समझ जाएंगे क्यों हमने ऐसा लिखा। ये दोस्तों 2 × हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 6 का 2 है ना, इसको लिख लीजिए 6 × 6 साथ में 2, ये 2 × 2 था, इसको ऐसे लिख लेते हैं, और यहाँ पर देखिए 2 × 2 लिखा है। और आपको दोस्तों पता भैया जिनका जोड़ा बन जाएगा वो बाहर आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों हमारा जिसका जिसका जोड़ा बन रहा है उसको बाहर करिए, 2 × ये 6 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 1 2, यहाँ से 1 2 बार आ गया, यहाँ से 1 2 बार आ गया, गुणा कर लीजिए 6 × 2 = 12, 12 × 2 = 24, 24 × 2 = 48। ठीक है गाइस, तो इसका हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 48। सब कुछ किसमें था देखिए गाइस, इसमें देख लेते हैं, सब कुछ हमारा दिया गया था सेंटीमीटर में, तो क्षेत्रफल आया तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। देखिए ऐसे क्वेश्चन भैया फंसाने वाले क्वेश्चन थे, इतने आसान प्रश्न ये नहीं थे। तो देखिए तभी हम आपसे कहते हैं गाइस, जितनी ज्यादा आप गणित में प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा आप स्कोर ला सकते हैं। अभी हमारा प्रथम सेमेस्टर का जो गणित का पेपर आया था काफी आसान था, लेकिन सेकेंड सेमेस्टर का आप सवाल देख रहे होंगे तो देख के आपको लग रहा होगा कि कितने बड़े बड़े पूछे गए थे। चलिए अब 16 नंबर क्वेश्चन में आते, पता चलेगा ये क्वेश्चन छोटा है कि बड़ा है। ठीक है, इसीलिए दोस्तों कहा जाता है जब तक आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, अटेम्प्ट नहीं करेंगे, तब तक पता नहीं चलेगा कि भैया क्वेश्चन छोटा है कि बड़ा है। ठीक है ना, तो चलिए दोस्त इस सवाल को हम लोग भैया सरल कर देते, क्वेश्चन में लिखा ही था सरल करिए। क्वेश्चन था दोस्त हमारा एक्स प्लस 4 वाई का होल क्यूब माइनस का दोस्त हमारा एक्स माइनस 4 वाई का क्यूब। ठीक है, इसको हमें सरल करना था, तो आपने फार्मूला पढ़ा होगा दोस्तों, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, देखिए यहाँ पर लिखा है ए क्यूब, यहाँ बीच में माइनस, ये लिखा है बी क्यूब, इसको ये समझिए। तो इसका दोस्तों फार्मूला क्या होता है हमारा, ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर। तो पहले ए माइनस बी का मतलब दोस्तों हो जाएगा हमारा एक्स प्लस 4 वाई लिखा है, यहाँ माइनस का चिन्ह लगाएंगे दोस्तों, और यहाँ हो जाएगा एक्स माइनस 4 वाई ऐसे है। ठीक है, इसको ऐसे ब्रैकेट बंद, ए माइनस बी हो गया फार्मूले से, उसके बाद दूसरे ब्रैकेट में दोस्तों हो जाएगा हमारा एक्स प्लस 4 वाई का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस का दोस्तों हमारा ए बी हो जाएगा, मतलब एक्स प्लस 4 वाई था इंटू में हो जाएगा एक्स माइनस का 4 वाई, और प्लस का दोस्तों आ जाएगा हमारा बी स्क्वायर मतलब एक्स माइनस 4 वाई का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा, अब इसको हमें सॉल्व कर लेना है। तो गाइस आप समझ रहे होंगे भैया पेपर इतना आसान तो नहीं था, क्वेश्चन भी काफी कठिन कठिन थे बड़े बड़े। इसको जब सॉल्व करें तो देखिए एक्स प्लस 4 वाई ऐसे लिखा है, माइनस का दोस्तों ये अंदर जाएगा एक्स हो जाएगा, प्लस का ये 4 वाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इस एक्स से ये वाला एक्स कट जाएगा, और उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पर जरा दोस्तों हमें ध्यान देना, ये वाला देखिए यहाँ पर प्लस का था ना 4 वाई, तो ये 4 वाई 4 वाई दोस्तों जोड़ेंगे तो 8 वाई हो जाएगा। चलिए पहले हम आगे भी इसको सॉल्व करते हुए चले ना, ऐसा थोड़ी ना हो, तो इसको जरा सॉल्व करेंगे तो एक्स प्लस 4 वाई का स्क्वायर करना था, इसको जरा सॉल्व कर ले, तो ये दोस्तों ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो मतलब हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस बी की जगह क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फार्मूला होता है ना 16 वाई स्क्वायर प्लस 2 ए बी, मतलब दोस्तों 2 का गुणा 4 में करेंगे 4 × 2 = 8 एक्स वाई हो जाएगा, प्लस का दोस्तों हो जाएगा ए स्क्वायर, देखिए ये फार्मूला क्या लिखा है एक्स प्लस 4 वाई लिखा है और दूसरी तरफ लिखा है एक्स माइनस 4 वाई। ठीक है, देखिए गाइस अगर आपको फार्मूले याद है तो उसका यूज करना आपको आना चाहिए। एक तरफ आप देख रहे हैं लिखा है ए प्लस बी लिखा है, यहाँ पर ए माइनस बी लिखा है, तो इसका फार्मूला दोस्तों सिंपल तुम्हारा हो जाएगा, क्या बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ए स्क्वायर की जगह दोस्तों हम लिख सकते हैं यहाँ पर एक्स का स्क्वायर, माइनस का दोस्तों हो जाएगा हमारा 4 वाई स्क्वायर,
ठीक है, फोर वाई स्क्वायर प्लस का दोस्तों आगे हम लोग क्या करेंगे, यहां पर इसको जरा ओपन करिए, हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 16 वाई स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब 4 × 8 xy। तो एक चीज जरा देखिए, 8xy यहां पर प्लस का है, ये माइनस का, ये दोनों गया कट, ठीक है ना। तो अब जरा देखते हैं और भी अगर कुछ कटेगा तो भैया काट वाट दिया जाए, नहीं तो आगे बढ़े। यहां पर दोस्तों क्या बचा हमारा, 4y 4y दोनों जोड़ लिया, हमारा बचेगा 8y, ठीक है। इनटू में दोस्तों इसको देखते हैं ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर था, ये एक्स स्क्वायर दोनों जोड़ लिया, 2x² हो गया। प्लस का दोस्तों वाई स्क्वायर, 16y² 16y² जोड़ लिए, 32 का वाई स्क्वायर आ गया। उसके बाद दोस्तों हमारा क्या बच रहा है जरा देखते हैं, ये देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ पर बच रहा है ना, इसको तो हमने लिख लिया वैसे, इसको चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का दोस्तों यहाँ पर बच रहा है हमारा 4y², ठीक है, ये आंसर हो गया। या दोस्तों एक काम और कर सकते हैं हम लोग, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ये देखिए हमारा फार्मूला बना था, अब इसको या तो ओपन कर दीजिए या तो ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला जब इसको हम ओपन करेंगे ना, तो फिर वही दोस्तों एक्स प्लस 4 वाई बन जाएगा और एक्स माइनस 4 वाई बन जाएगा, ठीक है, बस वही हो गया। और इसको यहाँ पर हम आंसर करके इसको खत्म करते हैं। तो गाइस ऐसे क्वेश्चन आपके देखिए पेपर में आए थे, जो कि काफी कंफ्यूजन वाले भी क्वेश्चन थे, अच्छे प्रश्न भी थे, ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। एक बात और दोस्तों बता दें, अगर आप चाहते तो इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, या एक्स स्क्वायर का मान भैया जोड़ दीजिए, ठीक है, 4y² का दोस्तों जब स्क्वायर कर देंगे तो उसका भी, लेकिन यहाँ पर भी आंसर करेंगे तब भी आपको नंबर दे दिया जाएगा। बाकी देखिए गाइस यहाँ एग्जामिनर के ऊपर सब कुछ होता है, तो ये सब दोस्तों आप देख रहे होंगे भैया क्वेश्चन कितने कितने कठिन थे। आप ऐसे प्रश्नों को कर जरूर सकते हैं, लेकिन वही होता है कि इसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए, ताकि दोस्तों जितने भी आपके फार्मूले आपको दिख रहे हैं उसका यूज आप सही तरीके से सही समय पर कर पाए। देखिए फार्मूले का यूज आपको पता है, फार्मूले आपको सारे याद होंगे, लेकिन उसका सही यूज भी करना आना चाहिए ना, इस समय रहता है आप उसका यूज कर पाए, नहीं तो आपको याद रहने से क्या फायदा फार्मूला। चलिए अब 17वां क्वेश्चन जरा हम लोग करके देखते हैं। एक्स इंटू दो सौ लिखा है वाई प्लस जेड, एक्स इंटू वाई प्लस एक्स इंटू जेड को सत्यापित कीजिए। यहाँ पर हमें देखिए एक्स का मान, वाई का मान, जेड का मान दिया गया है, मतलब दोस्तों जो ये वाला भैया पक्ष है लेफ्ट हैंड और ये राइट हैंड, अगर दोनों बराबर आ गए तो हमारा आंसर सही है। तो दोस्तों हमें देखिए एक्स का मान क्या दिया गया है, माइनस का 2/7, वाई का मान दिया गया है 9/2, और जेड का मान दिया गया है 2/3, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, क्वेश्चन पहले क्या था एक्स इंटू वाई प्लस जेड, इसको सॉल्व करना है ना, एक्स की जगह कितना रखना है, माइनस का 2/7, ठीक है, गुणे में वाई की जगह दोस्तों क्या रखना है हमें, वाई की जगह रखना है 9/2, प्लस जेड की जगह दोस्तों क्या रखना है 2/3, ठीक है, ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, एलसीएम दोस्तों देख रहे होंगे आप लोग नीचे भैया सही नहीं है, तिरिया गुणा कर लेंगे इसका, माइनस 2/7 लिखा है ना, गुड़ तिरिया गुणा करिए, 3 × 9 मतलब 3 × 9 = 27 हो गया, प्लस 2 × 4 बटे 200, 3 × 2 = 6 हो गया, 27 × 4 जोड़ लेंगे, माइनस 2/7 गुड़े 31/6, यही आया ना। अब देखिए 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, ठीक है, बचा है दोस्तों कितना, माइनस का 31/7 = 21, ये दोस्तों हमारा हो गया भैया लेफ्ट हैंड साइड। अब दोस्तों आरएचएस हमें ये दिया गया था एक्स इंटू वाई, एक्स गुड़े में मतलब, ठीक है, एक्स गुड़े वाई और प्लस का एक्स इंटू जेड, बीच में प्लस का चिन्ह बनाइए, एक्स इंटू जेड कर दीजिए, एक्स की जगह दोस्तों हम क्या रख सकते हैं, माइनस 2/7, इंटू वाई की जगह रख सकते हैं 9/2, प्लस का दोस्तों एक्स की जगह क्या रख सकते हैं हम लोग, माइनस का 2/7, और जेड की जगह रख सकते हैं 2/3, ठीक है, 2 से दोस्तों ये 2 कट गया, ठीक है, तो बचेगा कितना, माइनस का 9/7, प्लस का दोस्त ये प्लस और माइनस माइनस ही हो जाएगा। तो देखिए इसको जरा क्या करेंगे, ऊपर ऊपर गुणा कर लीजिए, 2 × 2 = 4, 3 × 7 = 21, इसका एलसीएम दोस्तों हमारा आ जाएगा 21, 7 × 21 तो 9 × 3 = 2 हमारा हो जाएगा 27, माइनस का 4 जोड़ लीजिए दोस्तों कितना हो गया, 27 और -4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा माइनस का 31/21, ये हमारा आंसर हो गया। अब गाइस इतनी उम्मीद करेंगे कि आप लोग भैया जोड़ घटाना अच्छे से कर लेते होंगे, अगर देखिए आपका जोड़ घटाने में दिक्कत रही होगी तब आप इस प्रश्न को गलत करके आए होंगे। अब चलिए दोस्तों अंतिम क्वेश्चन हमारा सर्वांगसम का भी आ रहा है, इसको भी देखेंगे। तो आप लोग देख रहे होंगे भैया कि जो लघुत्तरी के क्वेश्चन आए थे ना, एक से बढ़कर एक क्वेश्चन थे, मतलब काफी बड़े बड़े क्वेश्चन थे। 18वां प्रश्न था कि त्रिभुज के संदर्भ में सर्वांगसमता की विभिन्न शर्तों का संक्षेप में वर्णन करिए। तो भैया सर्वांगसम क्या हो सकता है, त्रिभुज कैसे होगा सर्वांगसम, दो त्रिभुज है आपका ए बी सी और यहां पर है पी क्यू आर,
देखिए दोस्त, सर्वांगिक त्रिभुज तब हो सकता है, एक तो ये अगर ये कोण बराबर है, ये कोण भी बराबर है और एक भुजा बराबर है, तो तब दोस्तों सर्वांगसम हो सकता है। देखिए चलिए मैं आपको बता देते हैं, खाली आपको वहां पर वैसे शर्त लिख के आ जाना था कि दो त्रिभुज सर्वांगसम कब होंगे, मतलब त्रिभुज ए बी सी मान लेते ये है और त्रिभुज ये हमारा पी क्यू आर, ये सर्वांगसम कब होगा, जब दोस्त या तो भैया भुजा 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 तीनों भुजाएं बराबर है, जैसे ये वाली भुजा, ये वाली, ये वाली, ये तीनों भुजाएं बराबर है, ये पहली शर्त होगी दोस्त हमारी, मान लेते हैं एस 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 ये बराबर है। दूसरा दोस्त ये हो सकता है कि हमारी भुजा बराबर है, ठीक है एक भुजा, फिर ये दोस्तों हमारा एंगल बराबर है कोण ए से एंगल, फिर दोस्तों हमारी भुजा, तब भी दोस्तों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा। तीसरी कंडीशन है या तो दोस्त हमारे दो कोण बराबर, जैसे ये वाला कोण बराबर है और एक भुजा बराबर है, तो एंगल भुजा एंगल, ठीक है ये दोस्तों कंडीशन होगी, तो अब हमारा त्रिभुज क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक है ये दोस्तों कंडीशन थी। तो मतलब देखिए 18वां क्वेश्चन में देखिए आप अच्छे से स्कोर कर सकते थे। अब चलिए दोस्तों हम बता देते हैं कि आपके लिए आसान प्रश्न लघु त्रि में कौन कौन से थे। एक 13वां क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते थे, 18वां प्रश्न कर सकते थे, 17वां प्रश्न, ये दोस्तों तीन ऐसे प्रश्न थे जिसको आप आसानी से कर सकते थे। और देखिए उसके बाद 14वां क्वेश्चन, देखिए हम कठिन क्वेश्चन को नहीं ले रहे आपके सामने, मतलब दोस्तों आप इन चार प्रश्नों को अगर आपने अटेम्प्ट करते तो डेफिनेटली आपसे हो जाता। कुछ बच्चे भैया 16वां क्वेश्चन भी कर सकते थे क्योंकि इसमें खाली क्यूब का फार्मूला यूज करना था। कुल मिला के हम कह सकते हैं कि लघु त्रि के पांच ऐसे प्रश्न थे जिसको आप कर सकते थे, कोई बहुत बड़े कठिन क्वेश्चन नहीं है। चलिए 12वां क्वेश्चन में दोस्तों हो सकता है कि आप कंफ्यूजन आपके मन में आ सकती थी, और उसके बाद 15वें क्वेश्चन में भी आप कंफ्यूज हो सकते थे, लेकिन पांच ऐसे क्वेश्चन थे, मतलब पांच क्वेश्चन का मतलब 10 नंबर आपके यहाँ से बन सकते थे। और बाकी बहुविकल्पी क्वेश्चन में तो दोस्तों बिल्कुल जान ही नहीं थी, पांच क्वेश्चन आप यहाँ से प्राप्त कर सकते थे, मतलब 10 5 15 हो गया। उसके बाद देखिए छठा क्वेश्चन आपसे हो सकता था, 7वां क्वेश्चन चलिए मान लेते कि आपको परिभाषा याद नहीं थी, 7वां क्वेश्चन मतलब निकाल सकते थे। यहाँ पर दो क्वेश्चन ये हो सकता था, ये वाला दोस्तों सरल करना था भैया, सिर्फ भाग करना था, इसमें कुछ था नहीं। 10वें में हो सकता है आपसे गलती हो गई, 11वें में, चलिए इसमें मतलब मान लेते हैं आपका एक क्वेश्चन ये हो गया, 2 3 मतलब दोस्तों 3 नंबर आपके अति लघु त्रि से, 5 नंबर आपके बहुविकल्पीय से, मतलब 5 3 8 हो गया, और 10 नंबर दोस्तों आप लघु त्रि से आसानी से प्राप्त कर सकते थे, मतलब 18 नंबर आप आसानी से ला सकते थे। लेकिन अगर आप 25 में 25 स्कोर करना चाहते थे तब भैया आपके लिए अच्छी खासी परीक्षा थी, तो ये दोस्तों मैटर है। तो मतलब बैक के लिए आप टेंशन मत लीजिएगा, अगर आपका पेपर अच्छा हुआ है तो डेफिनेटली आप एक अच्छा स्कोर करेंगे। तो गाइस चलिए मिलेंगे एक और वीडियो में, पढ़ाई करते रहिए, डीमोटिवेट होने से कुछ नहीं होगा। देखिए गणित जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप दोस्तों गणित अच्छे से सीख नहीं पाएंगे। आज आपने दोस्तों देखा होगा कि अगर आपने 16वां क्वेश्चन चाहे अटेम्प्ट किया हो, चाहे दोस्तों आप 15वां क्वेश्चन किए होंगे या 13वां क्वेश्चन, मतलब 12वां क्वेश्चन, इससे दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि आपका जो जोड़ घटाना ये सब था, जितना आपकी बढ़िया होगी उतना ही अच्छा आप स्कोर कर सकते हैं। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे।